बारे में बहुत सारी हदीसें हैं, कुरान में भी इसका जिक्र है और ख़ास करके इसके पालने का हुक्म दिया गया है कि आप इसको पालें, इसके पैरों में बहुत बरकतें रखी है परवरदिगार ने। अल्लाह इसका रिस्क ऐसे देता है जैसे आपकी औलाद का रिस्क आपका। अगर आप उसका स्वभाव देखना चाहते हैं, उसके मालिक का स्वभाव, तो आप उसके घोड़े का स्वभाव देखें। वो तो अच्छा है, घोड़े बात नहीं कर सकते, वरना आपके घोड़े बड़े बातू नहीं होते है ना, माइक दे दो। ये मेरी तारीफ थी, मेरी बेइज्जती नहीं। हाँ, वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। सारंगखेड़ा हॉर्स फेयर में है हम रिशपाल सिंह के साथ, और हमारे किंग्स सट फार्म वाले जेंटलमैन भी है। अस्सलाम वालेकुम। और आपका नाम क्या है? रिशपाल सिंह। पहले आप एक घोड़े के बारे में बता दीजिए, फिर हम हमारे दोस्त से बात करेंगे और कुछ हदीसें बताएंगे घोड़ों से रिलेटेड। आप बताइए घोड़े का नाम क्या और क्या डिटेल्स है? घोड़े का नाम अलादीन है और घोड़े का बाप है देवराज, माँ है मैजान, दरोल स्टेट फार्म से है। सॉरी आपकी आवाज़, मैं थोड़ा दूर जाऊंगा आपसे सवाल पूछकर। आप घोड़े का नाम बताइए, इसके माता पिता का नाम बताइए, कौन से फार्म से है और घोड़े की डिटेल जैसे हाइट और उम्र, ठीक है बताओगे आप? जी, घोड़े का नाम अलादीन है और फादर है देवराज रणिया और मदर है मैजान और रॉयल स्टेट फार्म हैदराबाद से है। जी चलिए, घोड़े की डिटेल्स हो गई, क्योंकि बहुत सारा नॉइस था तो हमें सुनाई नहीं दिया। आपका तारुफ कराइए दोबारा हमारे दर्शकों। मेरा नाम सैयद हैदर अली, राजस्थान अजमेर शरीफ से, तारागढ़ फोर्ट से, तारागढ़ दरबार हज़रत मीरा सैयद हुसैन दरबार से खादिम है हम लोग, और अभी सारंगखेड़ा। और आपके कुछ आई थिंक दो तीन घोड़े पालते हो आप? जी अभी। और आप किंग स्टड फार्म विद द के एच? जी, जो दरबार है सरकार, वहाँ जिनका उनका जो घोड़ा था उसका नाम था किंग, तो उन्हीं के नाम से किंग स्टड फार्म। आप पहले घोड़े की तारीफ में दो शब्द कह दो, फिर उसके बाद हम कुछ स्पेशल बात करेंगे। माशाल्लाह बहुत शरीफ और बहुत शानदार है। बहुत शानदार नाम है इसका, अलादीन, राइट? अलादीन इसका नाम है और 62 समथिंग इसकी अभी हाइट है। थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा है हाइट? हाँ माशाल्लाह, दिखने में बहुत खूबसूरत भी, और आप मुझे 62 से ज़्यादा ही लग रही है। हाँ 62 से ज़्यादा लग रही है, और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत शानदार है माशाल्लाह। सैयद हैदर अली साहब, राइट? आप घोड़ों से रिलेटेड कुछ हदीस के बारे में हमें बताइए। घोड़ों से रिलेटेड, वैसे तो घोड़ों के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं, कुरान में भी इसका जिक्र है, और ख़ास करके इसके पालने का हुक्म दिया गया है कि आप इसको पालें, इसके पैरों में बहुत बरकतें रखी है परवरदिगार ने। अल्लाह इसका रिस्क ऐसे देता है जैसे आपकी औलाद का रिस्क आपको देता है, और कहा जाता है कि जब किसी अच्छे काम के लिए जाएं इसके चेहरे के ऊपर हाथ रखें, और अच्छा? हाँ, इसके चेहरे पे हाथ रखें और इसे कहें कि दुआ कर मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ काम हो जाए। और ऐसे मैंने किया भी है बहुत बार, और हाँ माशाल्लाह करने वाली ज़ात अल्लाह की है, सक्सेस अल्लाह के हाथ में है, मगर ये भी दुआएँ करता है आपके लिए। आपने ये भी कहा कि भाई मैं किसी से सुना था एक घोड़े के बारे में, एक जानवर के बारे में, स्पेशली बकरियों के बारे में, क्या अगर आप ये जानवर पालते हो तो आपको यानी वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि इनको खिलाने के लिए पैसे कहाँ से आए? ये बाय डिफ़ॉल्ट फिक्र करने की तो आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं है कि आपको रोटी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि रिस्क का वादा परवरदिगार ने किया है। जैसे कि ये कहना है कि भाई भूखा उठता है इंसान, भूखा सोता नहीं है, है ना। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है और भगवान की ज़ात है अल्लाह, और सब वही हैं आज। खैर, तो उसका फिक्र करने की तो कोई नहीं, मगर ये है कि हाँ, अगर आपके घर के अंदर कोई जानवर है तो उसका रिस्क भी अल्लाह आप ही को दे रहा है। मैंने बताया ना पहले आपको कि अल्लाह उसका रिस्क आपको ऐसे देता है जैसी आपकी औलाद का रिस्क आपको दे रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी जानवर पालना है और ये अपने मालिक के लिए दुआएँ करता है। अच्छा। घर में कोई ना कोई जानवर होना ज़रूरी है, पाक जानवर। जी, आप ये बताएं आपको ये घोड़े पालने का शौक़ कहाँ से लगा? घोड़े पालने का बंदा तो नहीं पाल सकता ये। हाँ, घोड़े पालने का शौक तो करीबन ये हमारे पास 20 साल से हैं घोड़े, तो करीबन ज़्यादा ही होगा 20 साल, मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल से तो कम से कम हमारे पास ये घोड़े हैं। और हम लोग अजमेर से हैं तो हमारे नियर में पुष्कर पड़ता है, वहाँ पर हमने हर साल जाया करते थे। उस टाइम थोड़ा सा जो दौर था हमारा वो थोड़ा डाउन स्थिति में था, और हर साल जाया करते थे।
फिर एक साल अल्लाह ने मेहरबानी की हमारे पे और हमें एक घोड़ा मिला जिसका नाम था सुल्तान। फिर उससे हमें शौक लग गया और माशाल्लाह बहुत। घोड़ा पालने से पहले और घोड़ा पालने के बाद आपकी लाइफ में आप में क्या परिवर्तन आया, लोगों को बताओगे क्या डिफरेंसेस आपको लगा? हाँ, डिफरेंट ये है कि घोड़ा पालने से पहले और बाद में कि जैसे ऐसा तो कुछ खास नहीं कह सकता मैं, मगर हाँ जब आप ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए लाइफ में, पहले शायद इतने डिसिप्लिन नहीं थे, क्या घोड़ों ने आपको ज़्यादा डिसिप्लिन बना दिया? भाई देखिए, अगर मैं मेरी ज़िंदगी के बारे में बात करें, मैं सबके लिए बात नहीं करता, मेरी ज़िंदगी के बारे में अगर आप बताएं तो मेरे पास जो सुल्तान था उसने मुझे बहुत इनकम दी, बहुत, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि वो मुझे 20,000 रुपये पर डे देता था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे 20,000 रुपये पर डे देता था। वहाँ पर हमारे फोटोग्राफी के भी काम है तो उसको लोग उसके ऊपर फोटोग्राफी करते थे और बहुत अच्छा रहा उसके बाद। ये मैं बता दूं कि जब मैंने पहली बार घोड़ा लिया था तो मैंने 51,000 रुपये में सुल्तान को खरीदा था। कौन से साल की बात कर रहे हो आप? ये करीबन 20 साल, आप देख ले शायद 2000 बकरा था वो? नहीं नहीं नहीं, सुल्तान ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर, हाँ। आप कहाँ मिलेंगे ऐसे घोड़े? हाँ, वो 15 साल मेरे पास रहा और तब मैंने उसको फर्स्ट खरीदा तो मेरे पास 5,000 रुपये थे। हम तीन भाई हैं, मैं छोटा हूँ, हम तीनों भाई खरीदने गए थे तो तब हमें पसंद आ गया तो हमने देखा कि यार चलो अब ले लेना चाहिए। हम काफ़ी टाइम से हम लोग जाते थे, देखते थे मगर नहीं खरीद पा रहे थे, मगर फिर तब हमने सुल्तान को ख़रीदा तो 51,000 रुपये में उसका सौदा हुआ। हमने तब हमारी जेबों को देखा तो जेबों में तीनों भाइयों की जेब से 5,000 रुपये निकले। फिर हमने 46,000 रुपये समथिंग हमने उसको इंटरेस्ट में लिया और उसको पे किया। फिर घर लेके गए तो रखने की जगह नहीं थी, फिर जो जीना होता है छत पे चढ़ने की जो, वो हमने तोड़ा, उसको उसकी जगह पर रखा और फिर उसके बाद तो शुक्र है परवरदिगार का कि अल्लाह ने उसके खदमों में बरकत रखी और फिर उसके बाद तो महल बना गया। अभी आपकी बातों से हम एक घोड़े पे आएंगे। घोड़ा जो खड़ा होता है ये खुद कहता है कि भाई मुझे देखो, यानी इतना तन के माशाल्लाह, एक इसकी खड़ान में एक अलग। आज ही सॉरी कल मुझे किसी ने बताया, एक थे जो उन्होंने बताया कि घोड़े का स्वभाव उसके मालिक के स्वभाव से बहुत मिलता है। अगर आप उसका स्वभाव देखना चाहते हो, उसके मालिक का स्वभाव, तो आप उसके घोड़े का स्वभाव देखो। इनके मालिक ज़ारा मैम, राइट? वो तो इंडिया में नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? दुबई से वो। अब वो रिमोटली उनका स्वभाव तो हम घोड़ा ही बता सकते हैं। घोड़ा बड़ा शांत मिजाज का है, उनसे तो कभी मुलाकात नहीं। मैम भी ऐसी होगी शांत मिजाज की, है ना? तो उनसे तो कभी ऐसा रहा नहीं और ना, मतलब ऐसे नाम ही सुना है माशाल्लाह उनका। परवरदिगार उनको भी बरकतें दे माशाल्लाह। और उनमें खैर, तो ये मेरे को किसी ने बताया कि जो घोड़े का स्वभाव होता है वो उसके मालिक के स्वभाव से बहुत मिलता है। और ये बात मुझे बहुत एक अच्छी भी लगी क्योंकि मैंने देखा कि हम लोग हैं काफ़ी घोड़े वालों के अंदर जो लोग हमारे से, तो मैंने एक अपना दिमाग को दौड़ाया और देखा, मैंने कहा यार ये क्या बात सही है, तो मुझे 99% ये बात सही लगी। अच्छा है? हाँ, अगर आप उसका मतलब उसका मिजाज शांत और अच्छा स्वभाव का है तो घोड़ा भी शांत और अच्छा स्वभाव का आपको मिलेगा। वो तो अच्छा है, घोड़े बात नहीं कर सकते वरना आपके घोड़े बड़े बातू नहीं होते, है ना? माइक दे दो। ये मेरी तारीफ थी या मेरी बेइज्जती? नहीं नहीं, ये तो तारीफ है, इससे अच्छी तारीफ क्या हो सकती है। अच्छी बात करने वाले घोड़े निकलते हैं माशाल्लाह। अलादीन नाम है इसका जी, और ये रिंग में उतरने वाला है? हाँ, रिंग के लिए ही इसको लेके आए। आपको क्या इसके चांसेस लगते हैं? देखिए, चांसेस तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जजेस हैं वो, उनकी नज़रिया अलग हैं, हमारे नज़रिया अलग हैं। हर इंसान अपने घोड़े को फर्स्ट कहता है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनसे कि फर्स्ट सेकंड, तो खैर जज हैं, एक शो चल रहा है, एक वो है, नहीं तो हर घोड़ा फर्स्ट है, है ना? हर पालने वाला आदमी जो होता है वो अपने घोड़े के लिए ऐसे नहीं सुन सकता कि यार ये सेकेंड थर्ड कुछ भी। इसमें क्या चीज़ आपको एक्सेप्शनल लगती है कि भाई ये चीज़ देख के मैं रुक जाता हूँ ये घोड़े की तरह? एक तो इसके कान बहुत खूबसूरत हैं, हाँ ठीक है, ब्लेज माशाल्लाह, चेहरे का जो आप देखें इसका चेहरा, और शांत बहुत अच्छा है, शांत है, यंग भी है ना? हाँ, कितने साल देखें आप इसके, गजब तरीके से, ये 32 मंथ्स है, 32 ढाई, यानी अभी दो दांत किया होगा? हाँ, दो दांत है अभी, आप दो दांत कह सकते हैं। देखें आप माशाल्लाह बहुत शांत स्वभाव। राइड कौन करता है इसको? राइड करते हैं अभी क्या नहीं करते? भाई है हमारे यही, नहीं अभी राइड शुरू नहीं किया, राइड शुरू नहीं किया, थोड़ा इनसे बात कर ले मैं। अभी क्या आवाज कम होगी तो अब मुझे पता चलेगा आपकी आवाज नहीं, अब मैं बात कर सकता हूँ। घोड़े का नाम है अलादीन जी, ये कितने समय से अपने पास है जी? मैम के पास तो है तकरीबन, मैं अभी जस्ट नया। अच्छा, आप अभी ज्वाइन किए? अभी ज्वाइन किया है मैम का फॉर्म। और आप हैंडलर हो? हैंडलर हो जी। तो ये हैंडलिंग वाले लोगों की भी बड़ी डिमांड है, क्या अच्छा हैंडलर मिले? क्योंकि शो जीतने में आप लोगों का बहुत
क्या बोलते हैं, बहुत अहमियत होती है, बहुत रोल होता है, अहम रोल। आप लोग कहाँ से सीखते हैं सर जी? अब देखो मालिक अच्छा होता है, वो भी सिखा देती है जी, सिखा देती है, कोई नहीं बिल्कुल सही है, कोई नहीं सिखाता है, सब सिखा देती है। और बट आप बहुत कम बात करते हो। अच्छा ये बताइए है ना, अच्छा ये बताइए, हमारे एक्चुअल फहद भाई हैं और ये हमारे बहुत अच्छे क्लोज दोस्त हैं, तो इसलिए इनसे थोड़ी सी बातें हो रही है। अच्छा सर ये बताइए, आर हैंडलर्स पेड वेल, यानी उनकी दे वेल पेड, कि भाई ये भी एक प्रोफेशन जो है बहुत कम पे वाला है? हाँ, क्योंकि घोड़े वाले तो बड़े अमीर होते हैं। हाँ, जबकि इनकी वैल्यू ये खुद नहीं जानते हैं। इनके साथ एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इनकी वैल्यू उन्हें पता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मैं ज़्यादा नहीं कह सकता इसके बाद, जबकि ये बहुत वैल्यूबल पर्सन है। लेकिन मैंने कोई कोई फार्म वालों को देखा हो, बहुत वो अपने घर के फैमिली मेंबर जैसा ही ट्रीट करते हैं। आप घोड़ा ही खरीद सकते हो, घोड़े को हैंडल करना बड़ी बात होती है। ठीक है, वो जैसे अब हमने घोड़े खरीद लिए, बड़े से बड़ा घोड़ा खरीद लिया, मगर उसको हैंडल करने के लिए इनकी ही ज़रूरत है। ठीक है, इनकी ज़रूरत है और इनके बिना वो घोड़ा घोड़ा नहीं है। ठीक है, अभी जैसे चलो ये तो बहुत शांत है, बहुत से घोड़े होते हैं जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो उनको संभालने के लिए इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। अब इनकी बाहर तो इनकी बड़ी वैल्यू है, जो आप आउट ऑफ इंडिया देख लें, जैसे दुबई साइड में आप देख लें, है ना, इनकी बड़ी वैल्यू है और बहुत अच्छा भी होता है इनको। इंडिया में इंशाल्लाह आप जैसे लोग आगे आए तो इनकी भी होना चाहिए। अच्छा, इन ये घोड़े को कौन रिंग में लेके उतरेगा? दो लोग लगते हैं, दो लोग, तो आप दोनों, तो जब रिंग में उतरता है तो आप लोगों के भी पसीने छूटते होंगे ना, कि भाई कहीं चूक हो जाए। सबसे बड़ा डिपेंड ये है ना इन्हीं के ऊपर है, अगर 1% भी इनसे मिस हो गया तो पूरा जो साल भर की मेहनत है वो खत्म। अब रिंग के अंदर इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे वो लोग, क्या हाँ भाई आप, और अगर छूट जाता है इनसे तो उनके ऊपर फिर उसका वो भी है दंड है इसके ऊपर। कौन दंड देगा, ज़ारा मैम? नहीं नहीं, ज़ारा मैम तो नहीं, बाकी जो यहाँ से फिर बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और दो चार बातें भी सुना दी जाएंगी आपको, अगर आपने छोड़ दिया या कुछ भी और 1% नहीं परफॉर्म अच्छा करा पाए तो फिर साल भर की मेहनत खत्म हो जाएगी। घोड़ा भी तो कई चीज़ों से इफेक्ट होता होगा ना, हैंडलर बेचारा करेगा क्या? नहीं, आसपास में जोर का शोर हो गया तो घोड़ा बिचकिचा जाएगा। नहीं, तो इसी चीज़ का तो पे है, इसी चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं, जो भाई जो ट्रेनर हैंडलर हैं इसी चीज़ के तो हैं। बट ये तो एकदम शांत मिजाज मिजाज का है ना, तो इसको आई डोंट थिंक डिफिकल्ट होगी। दादी नाम चुन के रखा है अलादीन, अलादीन, ठीक है। उम्मीद करते हैं एक मेडल वाला चिराग आपको मिले, इंशाल्लाह। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपका नाम क्या बताया आपने? रिचपाल सिंह। और आपका सर? मुल्ला राम। आप राजस्थान के हो ना, बहुत गजब के इंसान है। हाँ, मुल्ला राम जी अभी गोल्डन रॉक के बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, गोल्डन किंग जो है हमारे, और जवाब नहीं है। और ये खाना भी बहुत अच्छा बना है, वो हमें खाना बना के खिला रहे हैं। कल रात में गाजर का हलवा बनाया उन्होंने, इन्होंने टॉपिक कबकी तोड़ दी। मैं बोला ना अगर घोड़े बात करने वाले होते ना, नहीं घोड़े वैसे ही, इन्होंने कबकी तोड़ दी, हाइट से गाजर के हलवे पे पहुंच गए हैं। बोलो, और मैं बात करने वाला था हदीस की। अच्छा, नहीं तो हदीस, नहीं तो खाने की भी बहुत सारी हदीस है, खाना खिला रहा है। अल्लाह ने इनके हाथ में भी शफा रखी, बरकत रखी, हर आदमी अच्छा खाना भी नहीं बना सकता है, ठीक है, समझे ना। लेकिन लाजवाब वहाँ बात करने में, आपसे बात करने में हमेशा बहुत मजा आता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी समय निकालने के लिए। एक एक राउंड हो जाए लास्ट, एक एक। हेलो सौरभ, कैसा लगा आपको घोड़ा? आपने 3 घोड़े देख लिए अभी, ब्यूटी ब्यूटी है ना। यू लाइक मारवाड़ी हॉर्स? हाँ, मारवाड़ी, उसका जो चमक है ना फात भाई, जो घोड़े पे फिनिशिंग और घोड़े पे जो चमक आना, ये किसका बेटा? ये सप्ताश का बेटा है, ये दूसरा ग्रैंड सन, ये सप्ताश का ग्रैंड सन है, सप्ताश के बेटे का बेटा है ये। तो ये कौन सा है इसकी, इसका फादर कौन है? देवराज रनिया वाला। ओके 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 ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू।